अच्छा तो अभी तक का कंसेप्ट और जितने भी हम क्वेश्चंस यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा तो उतना तो क्लियर होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये पूछा जाएगा कि जावा प्रोग्रामिंग में जो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक्सेप्शन को डिस्प्ले करवाने के, एक्सेप्शन मैसेज को डिस्प्ले करवाने के कितने तरीके होते हैं। क्या पूछा जाएगा कि जावा प्रोग्रामिंग में जो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेप्शन को प्रिंट करवाने के कितने तरीके होते हैं। तो टोटल यहाँ पर 3 तरीके होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो 3 कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन सी मेथड्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे भी समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो एग्जांपल नंबर 35 को हम यहाँ पर सेव कर देते हैं 36 नंबर के नाम से। और 36 नंबर के इस एग्जाम्पल पर हमने क्या करा कि यहाँ पर सिर्फ लिखा एक्सेप्शन, क्योंकि सुपर क्लास यदि चाइल्ड क्लास से रिलेटेड कोई भी एक्सेप्शन आने वाली है तो उन सभी को क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा। और सारी एक्सेप्शन की सुपर क्लास यहाँ पर कौन सी है, एक्सेप्शन। इतना होने के साथ एग्जांपल नंबर 36 है और इस एग्जांपल पर यदि हमने बिल्कुल ध्यान से समझना, यदि एग्जांपल नंबर 36 को यदि हमने कंपाइल करा जावा सी डेमो 36.java, ठीक है, बिल्कुल क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। और यदि हमने इसे रन करा और सपोज यदि हमने यहाँ पर इनपुट क्या दिया, प्रॉपर, कहने का मतलब है 10 और 2, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो इससे कंडीशन पर 5 और सॉफ्ट इज 2 मैसेज आकर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अभी अरिथमेटिक एक्सेप्शन है लेकिन हमने सुपर क्लास का यूज़ करा हुआ है, इसलिए वो एक्सेप्शन क्या होगी, हैंडल हो जाएगी और सॉफ्ट इज 2 मैसेज आकर क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर जैन मैसेज आकर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा एक काम ये करते हैं कि हमने यहाँ से जैन को हटाते हुए क्या डिस्प्ले करवा दिया, ई, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को हमने कंपाइल करा और इस एग्जाम्पल को हमने रन करा और अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो अभी हमने रन करा तो अभी आउटपुट में जो मैसेज है क्या आ रहा है, एक्सेप्शन का नाम और कॉलन मैसेज, मैसेज क्या है, डिवाइड बाय 0। अच्छा ऐसे यदि हमने यहाँ पर लिखा अभी, तो अब इस कंडीशन पर क्या होगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट होगी, तो एक्सेप्शन का नाम कॉलन नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है, फॉर इनपुट स्ट्रिंग, मैसेज क्या आएगा, फॉर इनपुट स्ट्रिंग अभी। तो हमने इसको रन करा तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सेप्शन का नाम नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन और यहाँ पर मैसेज क्या है, फॉर इनपुट स्ट्रिंग अभी। अच्छा ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर ध्यान से समझना कि ये जो आपने लिखा ना ई, और यदि आपने लिख दिया ई डॉट टू स्ट्रिंग, तो यहाँ पर दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। भले आपने लिखा था बाय डिफॉल्ट मतलब कि ई, लेकिन इंटरनली क्या होता है, टू स्ट्रिंग नाम की मेथड कॉल होती ही है। कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि लाइन नंबर 14 और लाइन नंबर 15 का मतलब क्या है, सेम ही है। और इस एग्जांपल को यदि हमने कंपाइल करा और यदि हमने रन करा तो बिल्कुल जैसा पहले आउटपुट आकर डिस्प्ले हो रहा था वैसा ही अभी आकर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो अभी चेक करना चाहते हैं आप तो चेक कर लीजिए, तो आउटपुट में क्या आकर डिस्प्ले हो रहा है, एक तो एक्सेप्शन का नाम और सेकंड आकर क्या डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर, मैसेज। पूरा क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन का नाम और कॉलन के इस तरफ जो, इसको क्या बोलते हैं, मैसेज। फिर से हमने रन करा इसको और हमने दे दिया AVHI, तो अभी क्या हो रहा है, एक्सेप्शन का नाम और मैसेज यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस कंडीशन में अभी तक का कंसेप्ट तो सभी को क्लियर होगा कि जो आपकी टू स्ट्रिंग नाम की मेथड है, पॉइंट ध्यान समझना कि जो आपकी टू स्ट्रिंग नाम की मेथड है, दिस वन, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो वाई यूजिंग दिस मेथड वी विल ओनली गेट एक्सेप्शन नेम, क्या गेट करते हैं हम, एक्सेप्शन का नाम एंड उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्सेप्शन। तो ये जो मैसेज है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन या फिर मैसेज, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन का नाम। तो जो टू स्ट्रिंग नाम की मेथड है वो क्या करता है कि एक्सेप्शन का नाम और साथ में क्या डिस्प्ले करवाता है, मैसेज को डिस्प्ले करवाता है। अभी इस एग्जांपल को सभी ध्यान से प्रॉपर नोट करेंगे
तो हम आगे का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि तीनों कौन कौन से अलग अलग यहाँ पर तरीके हैं, और यहाँ पर एक ही कैच का हमने यूज़ करा हुआ है, और नीचे का कोड सिर्फ इतना सा है। यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल नोट ध्यान से लिखना कि जो आपने ई लिखा है और ई डॉट टू स्ट्रिंग लिखा है, दोनों का मतलब क्या है, यहाँ पर सेम ही है। और सिर्फ आपको इन तीनों टाइप से इनपुट लिखना है। यदि हमने 10 और 2 दिया तो आउटपुट में क्या आएगा, यदि हमने 10 और 0 दिया तो आउटपुट में क्या आएगा, ये क्या कहलाता है एक्सेप्शन का नाम, और ये क्या कहलाता है मैसेज, या फिर क्या बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और दिस वन एक्सेप्शन का नाम, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मतलब मैसेज कुछ ऐसा आकर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। सभी ध्यान से इनपुट आउटपुट नोट करिएगा। तो इतना कंसेप्ट आप सभी ने नोट किया। अच्छा, अब एग्जांपल में देखो, अभी जो टू स्ट्रिंग नाम की मेथड है, ये क्या कर रहा है कि एक्सेप्शन का नाम डिस्प्ले करवा रहा है, और साथ में क्या डिस्प्ले करवा रहा है, मैसेज या फिर डिस्क्रिप्शन। इसके बदला हमने क्या करा कि यहाँ पर यूज़ करा मेथड का नाम गेट मैसेज, ठीक है। तो जो आपकी गेट मैसेज नाम की मेथड है ना, ये मेथड सिर्फ मैसेज को ही क्या करवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। देखो एग्जांपल को हमने क्या करा, 36 नंबर के प्रोग्राम को कंपाइल करा, और 36 नंबर के इस एग्जांपल को हमने क्या करा, यहाँ पर रन करा। तो अब इस कंडीशन में अभी तो प्रॉपर रन हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आकर जनरेट होगी तो उस कंडीशन पर मैसेज क्या आएगा, डिवाइड बाय ज़ीरो। तो यहाँ पर मैसेज क्या आ गया, डिवाइड बाय ज़ीरो। और जब यहाँ पर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट होने का चांस है, तो अब क्या आएगा, फॉर इनपुट स्ट्रिंग जो भी आपने पास करा है अभी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैसेज नाम की जो मैथड है, यहाँ पर सिर्फ मैसेज को डिस्प्ले करवाएगा, और सेकेंड कौन सी मैथड है आपकी, टू स्ट्रिंग। दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। सबसे पहली मेथड कौन सी पढ़ी हमने, टू स्ट्रिंग। तो जो आपकी टू स्ट्रिंग नाम की मेथड है, यहाँ पर ये क्या करेगा कि एक्सेप्शन नेम कॉलन डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, मैसेज भी यहाँ पर कह सकते हो कि मैसेज आकर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। पूरा क्लियर है। और सेकंड जो मेथड है आपकी गेट मैसेज, तो ये जो मैसेज नाम की मेथड है ना, ये यहां पर सिर्फ क्या करने वाला है कि मैसेज को ही डिस्प्ले कराएगा। ये एक्सेप्शन नेम डिस्प्ले करवाता है कॉलन मैसेज, और गेट मैसेज नाम की मेथड सिर्फ और सिर्फ मैसेज को ही क्या करवाती है, डिस्प्ले करवाती है। तो इतना कॉन्सेप्ट सभी को अभी समझ आना ही चाहिए। तो ध्यान से पॉइंट नोट करके सभी लिखेंगे कि गेट मैसेज नाम की मेथड यहाँ पर क्या करती है। तो अभी तक आपको दोनों मेथड यहाँ पर क्लियर होंगी। यदि हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं यहाँ पर, तो उस मेथड का नाम है ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। देखो अभी जो आपकी प्रिंट स्टैक ट्रेस नाम की मेथड है ना, ये यहाँ पर क्या करेगा कि एक्सेप्शन का नाम डिस्प्ले करवाएगा। जैसे ये यहाँ पर एक्सेप्शन का नाम डिस्प्ले करवा रहा था, ऐसे ही जो आपकी यहाँ पर थर्ड नंबर में मेथड कौन सी है, प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो प्रिंट स्टैक ट्रेस नाम की मेथड यहां पर क्या करेगा कि एक्सेप्शन का नाम, फिर मैसेज, और इसके साथ साथ नीचे ये बताएगा कि किस मेथड के अंदर एक्सेप्शन आकर जनरेट हुए। जैसे अभी अपनी क्लास का नाम क्या है, डेमो 36 में मैन मेथड के अंदर, तो क्या बोलेगा, एट, यहाँ पर क्या बोलेगा, एट डेमो 36 में मैन मेथड के अंदर एक्सेप्शन आकर क्या हुई है, जनरेट हुई है। तो देखो प्रिंट स्ट्रक्चर्स एग्जांपल नंबर 36 को हमने कंपाइल करा, और यहाँ पर क्या कर दिया, प्रॉपर रन कर दिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एक्सेप्शन का नाम भी आएगा, डिस्क्रिप्शन भी आएगा, और किस मेथड के अंदर है वो भी आकर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। एट डेमो 36 में क्या बोल रहा है, मैन मेथड के अंदर
यहाँ पर एक्सेप्शन आकर क्या हो रही है, डिस्प्ले, तो कहाँ पर हो रही है, मैन मेथड के अंदर एक्सेप्शन आकर डिस्प्ले हो रही है। क्लियर इतना कंसेप्ट। और ऐसे यदि आपने यहाँ पर कुछ इनपुट ऐसा दिया, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट इसने अभी, और उसने स्टैक में डिस्प्ले करवा दिया, डेमो 36 के अंदर मैन मेथड के अंदर एक्सेप्शन आकर क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो पॉइंट इतना सभी को क्लियर होना चाहिए कि तीनों मेथड क्या करता है। तो अभी इतना एग्जांपल तो सभी ने लिख ही लिया था, और आउटपुट विंडो सभी को पता ही है, तो सब ने लिखा होगा भी ध्यान से कि यहाँ पर एक्सेप्शन का नाम आया, फिर यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिप्शन आ गया, और यहाँ पर स्टैक मतलब किस मेथड में एक्सेप्शन आकर क्या हुई है, जनरेट हुई है। और इतना होने के साथ साथ अभी सभी को यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि थ्री डिफरेंस वे टू प्रिंट एक्सेप्शन इन जावा, ध्यान से तीनों तरीके। बिल्कुल सिंपल ही कंसेप्ट है यहाँ पर, और सबको अभी अच्छे से क्लियर हो ही जाना चाहिए। इतना पॉइंट सभी ने नोट किया, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। और अपने 36 नंबर के इस एग्जांपल को हमने सेव कर दिया 37.java के नाम से, और 37 नंबर के इस एग्जांपल पर हमने क्लास ए बनाकर तैयार करा, और क्लास ए के अंदर void so वन नाम की मेथड क्या करा, हमने बनाकर तैयार करा, और एक क्लास हमने बनाकर तैयार करा वी नाम से, और क्लास वी के अंदर सो टू नाम की मेथड क्या करा, हमने बनाकर तैयार किया। और हमने क्या करा कि कुछ ऐसा यहाँ फिक्स वैल्यू कर देते हैं, 10 इज डिवाइड बाय 0, यहाँ से इतना कंटेंट रिमूव करा। अच्छा, इस कोड को तो अभी हम कमेंट कर देते हैं, अभी हमें यूज़ नहीं करना है इसका, ठीक है। अभी कंडीशन में सिर्फ अपना इतना कोड है, तो इस एग्जांपल को हम यदि रन करेंगे, तो इस एग्जांपल पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आकर जनरेट होगी, जो कि स्टैक के साथ मतलब मेथड के नाम के साथ यहाँ पर क्या करवा देगा, मैसेज को डिस्प्ले करवा देगा। एग्जांपल नंबर 37 को जावा सी डेमो 37.java को हमने यहाँ पर कंपाइल करा, और हमने क्या करा यहाँ पर रन करा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपकी अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 स्टैक के साथ आकर क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो इस एग्जांपल को अभी सभी ध्यान से नोट करें, एग्जांपल जितना दिख रहा है इतना ही है, ऊपर का कोड हमने कमेंट करा हुआ है, पूरा क्लियर है, क्योंकि उसका भी हमें यूज़ नहीं करना, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसका यूज़ करेंगे। तो इस एग्जाम्पल को सभी नोट करेंगे, और इस कंडीशन में ये जो आउटपुट आकर डिस्प्ले हो रहा है, इसे भी सभी बिल्कुल ध्यान से नोट करिएगा। अच्छा, इतना कंसेप्ट सभी ने नोट किया। इसके बाद हम ये करने वाले हैं कि एग्जांपल नंबर 37 को हम यहाँ पर सेव कर देते हैं 38 नंबर के नाम से, और 38 नंबर के इस एग्जांपल पर हमने क्या करा कि कुछ ऐसा, और यहाँ से हमने इस कोड को हटाते हुए कुछ यहाँ पर लिखा, क्लास ए का ऑब्जेक्ट हमने क्या करा बनाकर तैयार किया, और यहां से हमने कॉल करा क्लास ए की सोवन नाम की मेथड को, और यहां पर हमने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाकर तैयार करा, और यहां से हमने कॉल करा क्लास बी की सो टू नाम की मेथड को। अच्छा, सभी एग्जांपल अभी बिल्कुल ध्यान से समझते हुए लिखिएगा कि देखो 38 नंबर का एग्जांपल है, यहाँ से क्लास बी की सोटू नाम की मेथड कॉल किया, और क्लास बी की सोटू नाम की मेथड से हमने क्लास ए की सोवन नाम की मेथड को क्या करा, कॉल करा, ठीक है। अच्छा, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पर इस कंडीशन में हमने डिस्प्ले करवा दिया ई को, तो यहाँ पर ई जो है क्या करवाता है, डिस्प्ले एक्सेप्शन का नाम और डिस्क्रिप्शन मतलब मैसेज को। तो एग्जांपल नंबर 38 को हमने यहाँ पर कंपाइल करा, सेमी कॉलन, ठीक है, तो 38 नंबर के प्रोग्राम को हमने यहाँ पर कंपाइल करा,
और 38 नंबर के प्रोग्राम को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रन कर दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या डिस्प्ले करवा दिया, एक्सेप्शन का नाम और मैसेज। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो e डॉट टू स्ट्रिंग, तो अभी इस कंडीशन में भी बिल्कुल सेम ही आउटपुट में जो मैसेज है आकर क्या होगा, डिस्प्ले होगा, मतलब अरिथमेटिक एक्सेप्शन कॉलन डिवाइड बाय ज़ीरो। अच्छा, यदि हमने इसको कमेंट करा और यहाँ पर लिखा कि गेट मैसेज, और अभी इस कंडीशन में मैसेज क्या है, सिर्फ डिवाइड बाय ज़ीरो, तो एग्जांपल को हमने क्या करा, कंपाइल करा और एग्जांपल को हमने यहाँ पर क्या करा, रन करा, तो क्या आकर डिस्प्ले हो रहा है, डिवाइड बाय ज़ीरो, सिर्फ मैसेज। लेकिन यदि हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन का नाम, मैसेज, उसके साथ मेथड के अंदर, और जो मेथड है यहाँ पर पूरा का पूरा स्टैक के फॉर्म में डिस्प्ले करवाएगा। हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म का, कि ये जो स्टैक बनकर तैयार होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेथड कॉल हुआ है उस मेथड का नाम क्या है, यहाँ पर आपका मैन मेथड है, और मैन मेथड ने किसे कॉल करा है, सो टू नाम की मेथड को, और सो टू ने यहाँ पर कॉल करा है सो वन नाम की मेथड को। पूरा क्लियर है? तो यहाँ पर जो आउटपुट में हम एग्जांपल को कंपाइल करते हैं और एग्जांपल को रन करते हैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए के अंदर सो वन नाम की मेथड, वी के अंदर सो टू नाम की मेथड, डेमो के अंदर 30, क्योंकि जैसा आपका स्टैक बना हुआ था प्रिंट स्टैक ट्रेस, उस स्टैक के फॉर्म में क्या करवाएगा, मैसेज को यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। तो इतना पैटर्न तो फिक्स रहेगा ही कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन का नाम, मैसेज, उसके साथ साथ यहाँ पर स्टैक के फॉर्म में लाकर क्या करवाएगा, मैसेज को डिस्प्ले करवाएगा। और एक्सेप्शन हैंडल हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पर सॉफ्टेस्ट टू मैसेज आकर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। बिल्कुल एग्जाम्पल ध्यान से नोट करिएगा सभी, एग्जाम्पल नंबर 14 कौन सा है, 38, हाँ, और लाइन नंबर 14 तक सभी का हो गया होगा। इतना होने के साथ लाइन नंबर 26 तक का कंटेंट, और इतना होने के साथ नीचे का जो एक कोड है इसे भी ध्यान से नोट करिएगा। और किस टाइप से स्टैक के फॉर्म में प्रिंट स्टैक ट्रेस मैसेज को डिस्प्ले करवाएगा, इसे भी सभी को ध्यान से नोट करना है। हाँ जी, सभी ध्यान से नोट करिएगा। अच्छा, तो इतना सभी का कंप्लीट है। एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब हमने रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था, क्या कि रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म, ठीक है, तो इस कंडीशन पर पॉइंट ध्यान से समझना कि जो फाइनली स्टैक में एक्सेप्शन आकर जनरेट हो रहा था, हालांकि उसमें यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा, तो वो एक्सेप्शन जो है ड्रॉप डाउन होते जाती है और चेक होते जाती है कि यदि उसको आपने हैंडल करा या फिर नहीं करा है, और एक्सेप्शन को यदि आपने हैंडल नहीं करा है तो फाइनली JVM उस एक्सेप्शन को हैंड ओवर कर देता है डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास। पूरा क्लियर है? JVM उस एक्सेप्शन को क्या करता है, यदि मैन मेथड तक उसने एंड तक चेक करा हैंडल हुई है या फिर नहीं हुई, तो JVM फाइनली उस एक्सेप्शन को हैंड ओवर कर देता है डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास। और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या कर रहा था कि स्टैक के फॉर्म में मैसेज को डिस्प्ले करवा रहा था, क्या कर रहा था, स्टैक के फॉर्म में मैसेज को डिस्प्ले कराने का काम कर रहा था डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर जो है वो स्टैक के फॉर्म में मैसेज, एक्सेप्शन मैसेज को डिस्प्ले करवा रहा था। तो जब एक्सेप्शन मैसेज डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर स्टैक के फॉर्म में डिस्प्ले करवा रहा है, तो इंटरनली वो किस मेथड का यूज करता है, उस मेथड का नाम क्या है, प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है, यदि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर जब एक्सेप्शन मैसेज को डिस्प्ले करवाता है तो इंटरनली किस मेथड का यूज करता है, तो वो जिस मेथड का यूज करता है उसका नाम क्या, प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो सभी को एक नोट यहाँ पर ध्यान से लिखना है कि डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर यूज प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड टू प्रिंट एक्सेप्शन मैसेज।
ठीक है, इसीलिए वो हमेशा एक्सेप्शन को क्या करता है, स्टैक के फॉर्म में डिस्प्ले करवाता है। हाँ जी, ध्यान से नोट करके इस नोट को सभी लिखिएगा।